Welcome students. In the previous video, I was telling you about some omissions of article the. And in this video, there are some more rules of omission of the article. Article means a and the. तो किसी भी article का omission. केवल हम the की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई भी article, चाहे वो a हो, an हो या the. Look at the PPT. Omission of the article before substances and abstract nouns. Definition. The article may be omitted before names of substances and abstract nouns. जो articles हैं वो omitted होते हैं, निषेध होते हैं before names of substances and abstract nouns. Substances यानी पदार्थ और abstract noun. Abstract noun क्या होते हैं? Abstract nouns are those nouns that can be feel, जिनको हम feel कर सकते हैं, जिनको हम touch नहीं कर सकते, जिनको केवल feel किया जाता है. As happiness, childhood, greenery, angerness. तो these are some जिसमें emotion होते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो noun होते हैं, abstract noun, उनको हम feel कर सकते हैं, ना कि touch नहीं कर सकते. और substance, for example, he has lots of sugar in his tea. Sugar is a substance. तो we will not use any article before sugar. He has lots of sugar in his tea. Rice is the staple grain of the people. Staple means main, principal. So rice is the staple grain of the people. Ab grain is also a substance. Staple se pehle to humne the use kiya hai, but we will not use any article before grain or before rice. The rice nahi kahenge, a rice nahi kahenge, only rice. Rice is the staple grain of the people. Next, kindness is better than intelligence. अब इसमें kindness and intelligence both are abstract nouns and we will not use any article before abstract noun. A kindness, the kindness is wrong. An intelligence, a intelligence, the intelligence is also wrong. So we will use kindness and intelligence without any article. Next heading, omission of the article before plural countable nouns. अब प्लूरल काउंटेबल नाउंस के पहले आर्टिकल ओमिट होते हैं. द आर्टिकल इज़ यूजली ओमिटेड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउंस आपको पता ही है, काउंटेबल नाउन इज डैट नाउन डैट कैन बी काउंट. बट प्लूरल काउंटेबल नाउन, फॉर एग्जाम्पल बैलून्स वर फ्लोटिंग इन द एयर, तो दिस इज बैलून्स इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन. सो वी विल नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर बैलून्स. वी विल नॉट यूज़ ए बैलून तो मतलब ही नहीं है, द बैलून्स भी नहीं कहेंगे हम. देयर वर केक्स ऑन द टेबल. अब केक्स इज ऑल्सो ए प्लूरल काउंटेबल नाउन, सो वी विल नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर केक्स. चिल्ड्रन यूजली रश अबाउट. चिल्ड्रन इज ऑल्सो ए प्लूरल काउंटेबल नाउन, सो वी विल नॉट यूज़ हेयर एनी आर्टिकल. कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन्स. Computers is also plural countable noun, so there is no article before computers. अब इसमें भी एक नोट है, देखिए एक्चुअली क्या है, ए एंड दी, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये हमारे रूल वाइज कहीं पर हम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम इनको एक्चुअली देखिए, अभी चलिए मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ. जैसे नाउट है दैट प्लूरल नाउन्स टेक द आर्टिकल द व्हेन दे आर यूज्ड इन द पर्टिकुलर सेंस. जब हम पर्टिकुलर सेंस में कोई प्लूरल नाउन यूज़ हो रही है तो हम उसमें द का यूज़ करते हैं. एज वेयर आर द चिल्ड्रन, वेयर चिल्ड्रन, अवर चिल्ड्रन, विथ चिल्ड्रन, अवर चिल्ड्रन. मतलब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बात हो रही है. देखिए ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ग्रामेटिकली इतना यूज़ नहीं होती, ये हमारे कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं. ये जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तब हमारी ये इंग्लिश स्पीकिंग में हमारी ये रूल्स थोड़े से फॉलो होते हैं. इसीलिए साथ में आपको नोट के थ्रू ये बात बताई जाती है. अब कहीं पर ये वेयर आर द चिल्ड्रन, कहीं पर अब वहाँ कोई पर्टिकुलर, जब हम लिखते हैं ग्रामर को, सेंटेंस लिखते हैं, तो वहाँ का ये क्लियर नहीं होगा कोई पर्टिकुलर बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा. सिंपल एक सेंटेंस है, वेयर आर चिल्ड्रन.
अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलरली बच्चों की बात हो रही है, या तो वो पूरा एक पैराग्राफ हो तब हमें पता चलता है। केवल हम सिंगल सेंटेंस में इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी की बात हो रही है या एक जनरल बात हो रही है। तो ये चीज़ हमारे स्पीकिंग में ज़्यादा काम में आती है, तो इसलिए हमें रूल्स पता होने चाहिए कि स्पीकिंग में कहाँ पर दा का यूज़ हो सकता है। तो ये हमारी चीज़ स्पीकिंग में काम में आती है। और वेयर आर द चिल्ड्रन, मान लीजिए किसी के चिल्ड्रन कोई अपने पर्टिकुलर बच्चों को ढूंढ रहा है, या कहीं पे कोई पर्टिकुलरली बच्चों की बात कही जा रही है कि वे बच्चे जो भाई अभी यहाँ खेल रहे थे वे कहाँ गए, तो पर्टिकुलरली उन बच्चों की बात की जा रही है, तब हम यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे, वेयर आर द चिल्ड्रन। नेक्स्ट रूल देखिए, बिफोर प्रॉपर नाउंस वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, पीपल, कॉन्टिनेंट्स, सिटीज़, रिवर्स एंड लेक्स। हम कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन होते हैं जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, डेट इज़ कॉमन नाउन। और जब उन कॉमन नाउन को हम किसी पर्टिकुलरली नेम से बुलाते हैं, जैसे रिवर्स, रिवर इज़ अ कॉमन नाउन, नदी, कहीं भी हमें बहता हुआ पानी इस तरह से दिखाई देगा इस रूप में कि बह रहा है कहीं पर बहुत, मतलब एक जल प्रवाह पूरा, तो हम उसे कहेंगे वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, पीपल, कॉन्टिनेंट, सिटीज़, रिवर्स एंड लेक्स। मैं आपको बता रही थी रिवर इज़ ए कॉमन नाउन, बट वैन वी गिव एनी पर्टिकुलर नेम टू डेट रिवर, मीन्स गंगा, यमुना, जब हम उसे एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है, वो नाम जो है हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। सिटीज़, हम कहीं भी किसी भी अगर कॉमन, मतलब केवल ये शहर है, शहर की बात कर रहे हैं, सिटी, तो सिटी इज़ अ कॉमन नाउन, बट वैन वी गिव द पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट सिटी, वैन वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट सिटी, मीन्स दिल्ली, कलकत्ता, मुजफ्फरनगर, आगरा, मतलब वैन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट सिटी, तो वी विल, डैट विल बी प्रॉपर नाउन। कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, देश हैं बहुत सारे, लेकिन अगर हम किसी देश को नाम दे देते हैं, से इंडिया, अमेरिका, कोई भी नाम, रशिया, तो वो हमारा पेरिस, वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा कंट्री बन जाती है। इसी तरह से कॉन्टिनेंट, इसी तरह से लेक, हम झील, हमें पता ही है झील का प्रारूप ये होता है, लेकिन यदि हम उसे कोई पर्टिकुलर हमारी लेक है, नाम है, तो वो हमारा, वो हमारी डल लेक, तो डल उस झील का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल। लुक एट द एग्जाम्पल, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट द इंडिया, ब्रैकेट में देखिए लिखा है नॉट द इंडिया, यानी हम द इंडिया नहीं बोलेंगे। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, द पेरिस नहीं बोलेंगे, बिकॉज दिस इज़ द प्रॉपर नाउन, दिस इज़ द नेम ऑफ कंट्री, दिस इज़ द नेम ऑफ सिटी। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, हम मील से पहले, खाने का जो होता है लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, उससे पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर इज़ कुकिंग लंच, डिनर इज़ रेडी, तो यहाँ पर हमारा डिनर है, लंच है, तो वी विल नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर डिनर एंड लंच। बट देखिए इसमें भी नोट है, वी यूज़ ए व्हेन देयर इज़ एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक्सेट्रा। वी यूज़ द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर मील, सब में चीज़ वही है, यदि हम किसी पर्टिकुलर मील की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा ये जो ओमिशन का रूल है वो चेंज हो जाता है। I had a late dinner yesterday, मैंने आज का डिनर लेट खाया, मैंने कल डिनर लेट लिया था, तो ए लेट डिनर, अब यहाँ पर्टिकुलर डिनर की बात कर रहे हैं कि कौन सा, कल का जो डिनर था मेरा वो लेट हुआ था, तो यहाँ पर्टिकुलर एक डिनर की बात कर रहे हैं। जब हम कॉमनली बात करते हैं तो हमारा दी का आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब हम किसी उसको इंडिकेट करके बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा द का यूज़ होगा या किसी भी आर्टिकल का यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द लंच वी हैड एट द रेस्टोरेंट वाज वेरी गुड, यानी किस लंच की बात कर रहे हैं, वो लंच जो हमने रेस्टोरेंट में लिया था, एक पर्टिकुलर लंच की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। ओके, आई विल टेल यू सम मोर रूल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।